dear student, welcome back to our lecture number 4. Today we learn image formation by concave mirror. हमने जो previous lectures किया था उसमें हमने represent किया था कि representation of the ray diagram. तो उसी का हमको use करना है और image formation in concave mirror कैसे form होता है वो हमको study करना है. Image कैसे form होता है वो. जैसे कि प्लेन मिरर में हमको पता है कि हम प्लेन मिरर के सामने जब जितने बिहाइंड खड़े इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर हम खड़े रहेंगे उतना ही बिहाइंड मिरर के बिहाइंड हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा. लेकिन स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होगा. जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम चेंज कर देंगे तब जो इमेज होगा उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज भी चेंज हो जाएगा. तो हम देखते हैं कि कौन सी पोजिशन पे ऑब्जेक्ट रखते होता उसका कैसा हमको इमेज फॉर्मेशन मिलता है. Our topic is formation of image in concave mirror. Let's one concave mirror हम बना लेते हैं. इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट पी मींस के पोल एंड अ पॉइंट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर. जिस स्फेरिकल सेल में से एक कॉनकेव मिरर बनाया गया होगा ये उसका रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड फोकस पॉइंट कहां पे होगा, मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. और जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर स्फेरिकल मिरर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. जो उसकी लेंथ होती है पी एंड एफ की जो लेंथ होती है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस किया था. ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो जो रिफ्लेक्टिंग होगी वो बैक साइड होगी इस तरह से. जब आप ये डायग्राम बुक में ड्रॉ करें एग्जाम में आपको पूछा जाए तो अब आपको क्या करना है कि कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है और उसमें जो डिस्टेंस आप ये चूज करते हो तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड एफ एंड पी ये इक्वल होना चाहिए. सपोज कि आपने 4 सेंटीमीटर लिया तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, ताकि आपकी जो रे डायग्राम है वो अच्छी तरह से बन सके. नाउ सपोज कि केस नंबर 1 अभी लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया. ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पर रख दिया, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तब उसका इमेज कैसा बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज उसका कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, उसका साइज कैसे होता है वो हम सब स्टडी करते हैं. मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है. अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की उसको हम इनफाइनाइट तक ले जाते हैं. सपोज कि ये इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हम कहते हैं ए बी. तो उसमें से जो इंसिडेंट लाइट आएगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं. हमको पता है कि जब हम रे इनफाइनाइट से आती है तो वो कैसी होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो रे रिप्रेजेंटेशन में, रे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में हमने किया स्टडी किया था जो फर्स्ट डायग्राम थी कि इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट इज पासिंग इट इज कन्वर्जिंग एट ए फोकस पॉइंट एफ. तो ये फोकस पॉइंट पे आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो कहां से पास आउट होगी, पॉइंट एफ से कन्वर्ज होगी पॉइंट एफ से.
सपोज कि ये बी वाला पॉइंट है, उसका एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन होके क्या हो गया, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जिंग एट पॉइंट एफ। तो हमको पता, अभी तो हमने सिर्फ दो ही लाइन रिप्रेजेंट किया, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी इमेज वी रिक्वायर मिनिमम टू रे ऑफ इंटरसेक्शन, मिनिमम टू रे ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने अभी दो रे ले ली, तो उसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, पॉइंट एफ पे हुआ। तो अभी एक नीचे हम टेबल बना लेते हैं, उसमें सारे केस का हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे केस के लिए हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट अभी इनफाइनाइट पे है, अभी धीरे धीरे हम उसको आगे की तरफ लाएंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी थी, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन हमको इमेज की कहां पे फॉर्मेशन हो रही, एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट एफ मीन्स के एट फोकस, फोकस पॉइंट। नेचर ऑफ इमेज कैसे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली दे आर मीटिंग, रियल में कहीं पे मीट हो रही है, इसलिए जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि रियल और दूसरा कौन सा होता है, वर्चुअल। वर्चुअल कब मिलता है, जब एक्चुअल में नहीं मिलता बट अपीयरिंग बिहाइंड द जो लाइन को हम एक्सटेंड करते थे, तो ये हमको कैसा मिला, रियल। और इन्वर्टेड क्यों मिला, वो अभी हम आगे देखेंगे, जो अभी दो तीन एग्जांपल है उससे आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, तो आपको पता नहीं लगेगा ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट इमेज है। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कौन सा मिलेगा, पॉइंट साइज, वेरी वेरी स्मॉल। Now object at behind C अभी जो ऑब्जेक्ट था वो हमने नजदीक किया द फ्रंट ऑफ मिरर एट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस पॉइंट। जो भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो कितनी थी, ए बी, जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, ए बी। तो उसमें से जो वन लाइन जो हमने रिप्रेजेंट की वो क्या थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट इज पासिंग थ्रू अ फोकस पॉइंट। नाउ सेकंड जो लाइन है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, व्हेन लाइट पासिंग थ्रू अ फोकस पॉइंट, एंड रिफ्लेक्ट्स बैक, इट इज जो पासिंग होगी फोकस पॉइंट में और इंसिडेंट होगी मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इधर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो इमेज की डेफिनेशन थी कि रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम टू टू रेज इंटरसेक्शन, तो इधर दो रे इंटरसेक्ट हो रहे, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इधर हमको इमेज फॉर्म होगी, तो इमेज जो फॉर्म होगी उसका हम ऐसे रिप्रेजेंट, जो एरो था वो हमको कहाँ पे मिला, बॉटम पे, जो एरो था वो हमको बॉटम पे मिला, और जो बॉटम था ऑब्जेक्ट का वो हमको कहाँ मिला, इमेज में टॉप साइड। तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, इन्वर्टेड, और उसका नेचर कैसा है, रियल है, क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही है। सो व्हेन बिहाइंड सी पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज कैसा मिलेगा, तो साइज ऑफ इमेज मिलेगा स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो था इसकी इसे थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो जो साइज होगी इमेज की वो कैसी होगी, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाएंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे, तब उसका नेचर कैसा होगा और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मिलेगी, आप खुद से ट्राई कीजिए। ऑब्जेक्ट एट सी suppose object is placed at center of curvature AB. तो हमको दो रे रिप्रेजेंट करने, तो फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करेंगे इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट इज पासिंग थ्रू अ फोकस पॉइंट नाउ सेकंड इफ रे पासिंग थ्रू अ फोकस पॉइंट If ray passing through a focus point and reflect strike on mirror after reflection, it is parallel to principal axis. तो अभी ये point पे हमको image मिलेगी, तो A dash और B dash. Incident reflection, incident light थी हमारी और ये उसका रिफ्लेक्शन। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट दैट टाइम वी विल गेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एट द सेम पॉइंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट सी। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ इमेज सेम साइज नाउ थर्ड अभी ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाते हैं कॉनकेव मिरर की ओर, now object is placed between the focus point and center of curvature
So one line is parallel to principal axis and it is after reflection, it is passing through a focus point. Now second line, when it is obliquely incident on point P, and after reflection, it is going like that. तो जो ए पॉइंट पे इंसिडेंट हमको जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वो कहां पे मिल रहे, बिहाइंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ए डैश एंड बी डैश. आपकी टेस्ट बुक में ये फिगर अलग तरह से दी होगी कि एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और दूसरी जो होगी वो कैसी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती हुई इधर रिफ्लेक्ट होगी और वहां से ही बैक. हम कोई भी चार में से कोई भी दो रे चॉइस कर सकते और उसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम बना सकते. हम इधर ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ए पॉइंट पी ए फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज की ऑब्जेक्ट इधर है तो वन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड passing through a focus point. Now second ray, when ray is passing through a focus to incident and again when it is, then also we got image behind a point. उसमें कुछ change नहीं होगा. हमने सिर्फ example के तौर पे सिर्फ there are taken only two rays. Point four, object at object is between C and F between C and F, the position of image behind point C. Here they are actually meeting. So nature of image is real and inverted, size of object larger than size of object, means ki magnified. Now so position thi hamari AB, to isme ए जो था वो टॉप में था, इधर बॉटम में चला गया और बी था वो टॉप में आ गया. नाउ जो पोजीशन है अभी हम कहां पे करेंगे, फोकस पॉइंट एफ पे हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे. Focus point F, center of curvature. Suppose object is placed at point F, AB. Object is object at F, point F, object at F. Here object कौन सा था, AB. तो one line is parallel to principal axis and it is after reflection it is passing through a focus point. Now second ray, जो obliquely incident on point P and after reflection it is going like here. So here जो angle बनेगा, angle between the normal and incident line is equal to R. Here both the rays are parallel to each other.
तो रियल से दोनों रे मीट हो गए, पर कहां पे हो गए? इन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमको कहां पे मिलेगी? एट इनफाइनाइट। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन वेरी लार्ज, क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट कर रहे हैं, तो उसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा? वेरी लार्ज। नाउ इंपॉर्टेंट, सो नेक्स्ट पोजिशन जो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। इसमें हमारा नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सपोज कि पॉइंट एफ एंड दैट इज द पॉइंट सी। सपोज कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन पी एंड एफ हियर, बिटवीन P and F means ki this object is placed between the pole and focus point. Object at between P and F. Last case. तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो कैसी की? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज रिफ्लेक्ट बैक थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस। नाउ सेकंड लाइन वी ड्रॉ व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमने इधर रखा है ए बी, तो उसमें से हमने दो रे चूज की। तो ऑब्जेक्ट है तो वन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड विद कॉनकेव मिरर एंड रिफ्लेक्ट बैक थ्रू अ फोकस पॉइंट। नाउ सेकंड जो रे डायग्राम था वो हमने कौन सा लिया? सपोज की ऑब्जेक्ट है तो उसमें से एक लाइन कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो हमको पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट बैक भी वहीं से होगी। तो इधर ये दोनों रे एक दूसरे से दूर जाते रहे, डाइवर्स हो रहे, तो उसको हम कन्वर्स करने के लिए क्या करेंगे? उसको बिहाइंड द मिरर हम एक्सटेंड करेंगे, बिहाइंड द मिरर हम उसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे। तो जो इमेज हमको मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, ए डेस एंड बी डेस। तो एक का जो एरो था वो इधर भी टॉप में ही रहेगा, तो इमेज इसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते तो ए बी। तो इधर पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे मिली? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। नाउ नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? इधर नेचर ऑफ इमेज रियल एंड रियल और इन्वर्टेड नहीं मिलेगी, इधर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। इधर हमने किया कि लाइन जो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही थी उसको हमने उसको एक्सटेंड किया बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर उसको हमने एक्सटेंड किया और ए पॉइंट पे दोनों रे जो थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी। तो जब रियल में फिजिकली जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल। तो हमने इमेजिन किया कि
इधर बी एंड द मिरर मिलेगी, तो ये होगा वर्चुअल एंड वो इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड, तो इसमें क्या होगा कि इरेक्ट होगा क्योंकि टॉप टॉप रहा और बी जो बॉटम था बी वो बॉटम ही रहा, मीन्स की स्ट्रेट इमेज हमको मिली, तो नेचर ऑफ इमेज दूसरा कौन सा होगा, इरेक्ट। एंड साइज ऑफ इमेज कैसी मिलेगी, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, जो साइज इमेज की थी उससे लार्ज हमको मिलेगी, जो फिगर से हमको इजीली हम नोटिफाई कर सकते हैं उसको। जो लास्ट पॉइंट था वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें नेचर ऑफ इमेज चेंज हो जाता है और जो पोजीशन मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, बिहाइंड द मिरर मिलती है, और साइज जो था वो कैसा मिलेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। अब ये छह केस को हमको एक समरी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो हमने फर्स्ट फिगर फर्स्ट में क्या किया था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रखा, उसके बाद बिहाइंड सी रखा, एट सी रखा, तो हम धीरे धीरे किया कि हमने पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रखा, उसके बाद बिहाइंड सी रखा फर्स्ट केस में एट इनफाइनाइट, दूसरे में बिहाइंड सी, तीसरे में फोर्थ केस, फिफ्थ केस अप टू पॉइंट एफ, जो हमको साइज ऑफ इमेज मिला वो कैसा हो रहा, फर्स्ट में पॉइंट था, सेकंड में लार्जर सेम साइज मैग्निफाइड, मींस कि अप टू पॉइंट बिहाइंड इन्फिनिटी टू पॉइंट एफ, इन्फिनिटी टू पॉइंट एफ, जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू पॉइंट एफ तक रखेंगे उसको हम धीरे धीरे कॉन्केव मिरर की तरफ लाएंगे, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, इनलार्ज होता चला जाएगा, ये उसका था तो इधर छोटा सा मिलेगा इमेज, सेकंड का इधर कहीं पे मिलेगा उसका एट द पॉइंट सी तो सेम साइज मिलेगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ इमेज, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर्स के नजदीक लाएंगे वैसे वैसे ही जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो दूर होती चली जाएगी और जो उसकी साइज थी वो इनलार्ज होती चली जाएगी, कुछ इस तरह से। जो एक एक्सेप्शन केस था वो किया था बिटवीन द पी एंड एफ, वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रही वो कहाँ पे हो रही, बी एंड द मिरर, एंड उसका जो नेचर था वो कैसा मिल रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आपने एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर सोचो, फर्स्ट जो हमारे व्हीकल होता है उसकी जो हेडलाइट होती है, जो हमारा व्हीकल होता है कार और बाइक उसकी जो हेडलाइट होती है उसमें कॉनकेव मिरर का उपयोग यूज होता है, कैसे, सपोज की हमारी हेडलाइट बाहर से तो ऐसी होगी लेकिन आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तब उसके अंदर कुछ इस तरह से होगा, जो लैंप होगा वो इस तरह से होगा,
ये बार की वो क्या था, ग्लास था, तो लाइट कुछ इस तरह से होगी, तो जो पोजीशन ऑफ द बल्ब होगा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कहाँ पे होगा, एट फोकस पॉइंट पी पे, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट एफ, हम कौन किसकी बात कर रहे हैं, व्हीकल की हेडलाइट और एनी अदर कार और बाइक की जो व्हीकल होते हैं उसकी जो हेडलाइट होती है और जो हमारी टॉर्च लाइट होती है उसमें भी यही जो पोजीशन ऑफ द लैंप होता है वो कहाँ पे होता है, एट पॉइंट एफ पे। तो उससे क्या होगा, यहाँ से जो सारी रे रिफ्लेक्ट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमको कहाँ पे मिलेगी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। तो इट इज यूज इन व्हीकल्स हेडलाइट एंड टॉर्च, जो टॉर्च होती है उसमें भी यही फिनोमिना यूज होता है। नाउ सेकंड, कि जो हमारे घर पे टीवी कनेक्शन होता है, जो टाटा स्काई डिश टीवी, तो उसका एक कनेक्शन कैमरा जो होता है वो हमारे टेरेस पे लगाया जाता है, तो उस कुछ इस तरह से, तो कनेक्शन जो उसकी जो प्लेट होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो कैसी होती है, कुछ इस शेप में होती है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव टाइप। क्यों ऐसा होता है, कि जो रेडिएशन आ रहे होते हैं वो टीवी के जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो सब उस पे इंसिडेंट होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे मीट करेंगे, सब एट फोकस पॉइंट पे। तो उसके लिए जो रे आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, एट इंफिनिटी से, तो वो कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसका सेंटर आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए एक कैमरा, तो जो ये रेडिएशन आ रहे सिग्नल आ रहे वो कैसे हो गए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड जो फोकस हो गया वो कहाँ पे होगा, एट पॉइंट एफ पे। तो पॉइंट एफ पे जो हम रिसीवर होता है हमारा, सिग्नल जो होता है कैमरा और उसको सिग्नल बोलते हैं रिसीवर, वो इधर लगाया जाता है एट पॉइंट एफ, सो मैक्सिमम सिग्नल को कैप्चर कर सके। इट इज यूज इन टीवी एंटीना रिसीवर, इट इज यूज इन टीवी एंटीना रिसीवर। नाउ थर्ड, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू चेक अवर टीथ। तो डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है, जो कोई डेंटिस्ट के पास गए होगा उसको पता होगा कि जब डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है, वो मिरर से देखता है कि कहीं पे भी तो वो टीथ में प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उसमें जो यूज करते हैं तो उसमें जो पोजीशन ऑफ द इमेज होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो मेरा टीथ होता है वो कहां पे रखते, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, टॉर्च लाइट जो ये वाला होता है वो कहां पे होता है, व्हीकल्स हेडलाइट फर्स्ट वाला, टीवी एंटीना रिसीवर, नाउ लास्ट वन डेंटिस्ट मिरर। जो डेंटिस्ट यूज करते हो मिरर वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, और उसमें जो हमारा टीथ होता है वो कहां पे प्लेस करते हैं, एट पोजीशन बिटवीन द पी एंड एफ। So, वो क्या मिलेगी, जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी, वो
or erect mandibular larger than our teeth. तो इसकी सारी एप्लीकेशन है और सारी भी होती है, आप ट्राई कीजिए घर पे कि कहाँ कहाँ पे उसका यूजेज होता है. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर. थैंक यू.